हेलो फ्रेंड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस वाइफ कॉर्नर। और आज मैं आपको साथ शेयर करने वाली हूँ बैगन की भर्ती की रेसिपी। तो आज मैं ये बैगन का भर्ता बनाने जा रही हूँ। उसके लिए आपको चाहिए एक बड़ा सा बैगन, और बैगन में अच्छे से देख लीजिए कहीं पे कीड़ा ना हो, क्योंकि ये हमें भूनना होगा तो अंदर कीड़ा होगा तो भुन जाएगा। तो आप पहले बैगन को ले लीजिए, फिर पूरे सरफेस पे आपको उसको ऑयल या रिफाइंड जो कुछ भी आप ऐड लगाना चाहो वो लगा सकते हैं। तो पहले हम लगा लेते हैं। जब ये अच्छे से लग जाए तो हम इसमें दो चीज़ ऐड कर सकते हैं। एक तो हम हींग ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास हींग जो पिसा हुआ हींग नहीं होता वो नहीं चाहिए होगा, जो दानेदार रहता है वो हींग ऐड कर सकते हैं। और ये है लहसुन, तो आप लहसुन को भी इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। इसमें चक्कू की मदद से हम थोड़े थोड़े कट बना लेंगे, उसमें फिर लगा देते हैं। ये अब आप देख सकते हैं कि मैं छोटे छोटे कट लगा रही हूँ, लहसुन अंदर डाल रही हूँ। इससे क्या होता है ना, जो लहसुन का गार्लिक का फ्लेवर है ना वो अंदर बहुत अच्छे से आ जाता है, और ये अच्छा भी होता है क्योंकि बैगन में बादी होता है और लहसुन बादी को मारता है, तो ये आपको नुकसान नहीं करेगा। बहुत ज़्यादा लहसुन अंदर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप 4 से 5 के लिए लगा सकते हैं, इतनी सफिशिएंट होती है। इसके अंदर जा नहीं रहा, ज़बरदस्ती ही लगाना पड़ रहा है। तो ये बैगन हमारा रेडी हो गया है, ऑयल लगा दिया है, लहसुन लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, गैस पे इसको भूनेंगे। तो गैस चलाएंगे और इस पर एक स्टैंड टाइप का रख दिया है जिससे मैं उसके ऊपर पूरा ना आए। और आप गैस के जो बर्नर के नीचे आप कुछ ट्रे वगैरह लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें से जब जलेगा तो पानी टपकेगा हल्का हल्का। तो ये मैंने रख दिया। अब हम जब ये भुन जाता है फिर आगे की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये भुन गया है। अब मैं ट्रे में निकालती हूँ, इस ट्रे में ही निकालूंगी, मैं स्टील का बर्तन यूज़ करूँगी क्योंकि काफ़ी गर्म है। गैस को बंद कर देते हैं, अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने जाने देते हैं। तब तक हम और जो कढ़ाई है कढ़ाई को गर्म करते हैं। तो ये कढ़ाई रख दी, और इसमें जो आप ऑयल रिफाइंड घी जो डालना चाहें वो डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर आधा ऑयल और आधा रिफाइंड जो मिक्स रखा हुआ है मेरे पास यूज्ड, मैं वो यूज़ करूँगी। तो ये मैंने डाल दिया हल्का सा ऑयल, अब इसमें थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। अब इसमें हम जीरा लहसुन अदरक प्याज हरी मिर्च और टमाटर और हींग यूज़ करें। मैं कोई भी मसाला ऐड नहीं करती हूँ, मैं केवल सिंपल सा भरता, जो भरता बोलते हैं वही बनाती हूँ मैं बस। एक बार मैंने रेस्टोरेंट में ऑर्डर किया था भरता, बट उन लोगों ने भरते में मसाला ऐड कर रखा था, वो मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया था। इस वजह से मैं जो भरता बनाती हूँ वो हमेशा मैं सिंपल ही भरता बनाती हूँ, और जो मेरी मम्मी बनाया करती थी एक्चुअली। तो ये मम्मी और दादी की रेसिपी फॉलो करती हूँ मैं। उसके बाद आप देख सकते हो बैगन को आप पील कर सकते हैं, इसका जला हुआ जो है पार्ट वो निकाल सके अलग कर सकते हैं। अब इसको हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। थोड़ा गर्म होता है तो थोड़ा केयरफुल होके करना है, नहीं तो आपका हाथ जल सकता है। नहीं तो आप इसको अच्छे से ठंडा हो जाने दीजिए, अगर आप जल्दी में नहीं है। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, लेट हो रहा है मुझे। तो अब हम जीरा ऐड करते हैं। जीरा ऐड किया, अब जीरा भुन गया। अब लहसुन अदरक, अदरक बाद में डालेंगे, पहले प्याज डालते हैं और अदरक डाल देते हैं। अब इसको मिलाते हैं और थोड़ा सा हींग ऐड कर देते हैं अभी, और जब थोड़ा सा, अगर आप ज़्यादा हींग पसंद करते हो तो थोड़ा सा बाद में कर देना।
तो ये अब हम टमाटर ऐड कर देते हैं और ग्रीन चिली। अब सब कुछ ऐड कर दिया है। मुझे एक्चुअली बैगन के अकॉर्डिंग टमाटर थोड़ा कम लग रहा है क्योंकि मैं और मसाला तो ऐड नहीं करती हूँ, तो आई थिंक मुझे एक टमाटर और ऐड करना होगा, तो मैं एक टमाटर और ऐड कर देती हूँ। इसको भी कट करके मैं ऐड कर दे रही हूँ। ये मैंने कट कर लिया है और अब मैं ऐड कर देती हूँ। ये ऐड कर दिया। अब मुझे ऐसे ही पकाना है, इस पर कोई पानी वानी ऐड नहीं करना होता है, इसमें बस गैस को मीडियम रखना है और आप कंटिन्यू चलाते रहिए, अदरवाइज जल जाएगा, लग जाएगा। थोड़ा सा नमक डाल देते हैं जिससे जल्दी सॉफ्ट हो जाए, और वैसे भी डालना तो पड़ेगा ही, लेकिन आप देख सकते हैं आप अभी पूरा नमक डालेंगे या फिर जब पूरा बैगन ऐड कर देंगे तब डालेंगे। मैंने तो अभी डाल दिया। ये इसमें एक्स्ट्रा इसका जला हुआ पार्ट चला गया, वो निकाल देती हूँ मैं। अभी अच्छे से मिलाती हूँ। आपको ये अच्छे से ही मिलाना, जितने अच्छे से आप मिला सकते हो ना उतना अच्छा ही भरता और टेस्टी लगेगा। आप थोड़ी थोड़ी देर बाद मिलाते रहिए जिससे सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से आप इसमें मैश हो जाए। बस थोड़ा टाइम टेकिंग है बट बहुत टेस्टी बनता है। बस ऑलमोस्ट हो ही गया है। इसको दो तीन बार और चला देते हैं। आप धनिया काट के रेडी करके रख लीजिए, इससे आप ऐड कर दे सकते हो बाद में। और हींग अगर आप ज़्यादा खाते हो ना तो पीछे से थोड़ा सा और हींग ऐड कर देना, तो अच्छी खुशबू आएगी और टेस्टी लगेगा। ये मैंने धनिया ऐड कर दिया इसमें। अब धनिया डाल के थोड़ी देर और चलाती हूँ जिससे कि धनिया की महक अच्छे से इसमें हो जाए, भरते में अच्छे से स्मेल आएगी, धनिया का एरोमा बहुत प्यारी लगेगा। आप देख सकते हैं अच्छे से मैश हो चुका है। अब बस मैं आपको निकाल के कटोरी में दिखाती हूँ। ये गर्म है, थोड़ा सा गरम गरम लग रहा है। ये देखिए, आप देख सकते हैं ना। आप भी बनाइए और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में।